दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसको अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। इस नदी में बहुत से रहस्य गोते लगाते हैं। इस नदी का एक रहस्य तो ये है कि इस नदी के उद्गम स्थान यानी कि ये नदी कहां से निकली है, इसके बारे में आज तक लोगों को जानकारी नहीं है। ये इतनी बड़ी नदी है कि इसकी सहायक नदियों की संख्या ही 1100 है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अमेज़न नदी की शुरुआत कहां से होती है? लेकिन इंसान जो आज चांद पर पहुंच चुका है वो अपनी पृथ्वी पर ही मौजूद एक नदी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो आइए हम भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय नदी अमेज़न रिवर के बारे में। एक तरफ तो हम इंसान इतना ज्यादा विकास कर चुके हैं कि दूसरे प्लेनेट पर घर बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जिनके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। और हमारी पृथ्वी के फेफड़े कहलाने वाला अमेज़न जंगल भी इसी लिस्ट में आता है। ये जंगल जितना ज्यादा बड़ा है इसने इतने ही रहस्य अपने अंदर दबाए हुए हैं। जहां एक तरफ पूरी पृथ्वी पर हम इंसान राज कर रहे हैं, वहीं इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज चलता है। ये जंगल इतना ज्यादा विशाल और इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां आज तक हम इंसान तो दूर की बात है सूरज की किरणें भी नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी बहती है। अब जितना रहस्यमय और जितना खतरनाक ये जंगल है, उतनी ही खतरनाक इस जंगल में बहने वाली ये नदी भी है। इस नदी के अंदर ऐसे ऐसे भयानक जीव निवास करते हैं जो किसी भी इंसान को पल भर में मौत के घाट उतार सकते हैं। इस जंगल को हमारी पृथ्वी का सबसे रहस्यमय जंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए सर का दर्द बने हुए हैं। जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से ये जंगल इसी तरह विकास कर रहा है, और इस जंगल में बहने वाली ये नदी भी इसी तरह यहाँ बह रही है। यहाँ रहने वाले जीव जंतु इस भयानक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने का हुनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस जंगल में जीने के लिए पेड़ पौधों से लेकर सभी जीव जंतुओं तक कोई भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, न ही कोई एक दूसरे की मदद करता है। इस जंगल में होने वाली हर सुबह यहाँ रहने वाले हर जीव के लिए एक नई चुनौती होती है, और यहाँ रहने वाले सभी जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। अमेज़न जंगल हमारी पृथ्वी की सबसे खूबसूरत संरचना कहलाती है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे क्रिएचर देखने को मिलते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस जंगल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कुदरत ने यहाँ कई सारी अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियों को भी उगा रखा है। दोस्तों, ये जंगल जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस भी है। यहाँ पाए जाने वाले ये पेड़ पौधे सिर्फ एक जंगल की खूबसूरती को ही बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि अगर ये पेड़ पौधे ना हों तो शायद हम इंसान पृथ्वी पर सर्वाइव भी ना कर सके, क्योंकि ये जंगल अकेला ही हमारी पृथ्वी को कम से कम 20% ऑक्सीजन देने का काम करता है। और इसीलिए इस जंगल को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था, ये जंगल अपने अंदर कई सारे ऐसे जीवों को सुरक्षित रखे हुए है जो शायद आज हमारे सामने आ जाए तो हम इंसानों की वजह से ये विलुप्त हो जाए। ये जंगल ही इनका घर है, और ये जंगल ही इन्हें कई हजार सालों से सुरक्षित रखे हुए है। यहाँ रहने वाले इन जीवों को हम इंसानों से तो खतरा नहीं है, लेकिन कुदरत से ही लड़ना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे इतने ज्यादा घने और इतने ज्यादा ऊंचे हैं कि अपनी जमीन तक सूरज की रोशनी तक को नहीं पहुँचने देते, लेकिन यही पेड़ इस जंगल के लिए एक तरह से फ्यूल का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यही पेड़ पौधे इस जंगल की ग्रोथ कर रहे हैं। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जंगल पेड़ पौधों के ऊपर ही चलता है। बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 10% से भी ज्यादा जीव जंतु इसी अमेज़न जंगल में निवास करते हैं, और ये 10% जीव तो वो हैं जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी मिल चुकी है। लेकिन वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ऐसा जंगल है जहां अभी भी कई सारे ऐसे जीव निवास करते हैं जो आज तक इंसानों की नजर में नहीं आए हैं। दोस्तों, आप इस जंगल की विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर 3 दिन के अंदर एक नई स्पीशी को खोज लिया जाता है। ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला और इन जैसे 9 देशों तक फैला हुआ है। सिर्फ ये जंगल ही नहीं बल्कि यहाँ पाई जाने वाली नदी भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इस जंगल के हजारों किलोमीटर तक बहने वाली अमेजन रिवर को हमारी पृथ्वी की लाइफलाइन के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पर बहने वाली अमेजन रिवर ही नहीं बल्कि इसकी कुछ सहायक नदियां जो इस जंगल की जरूरत को पूरा कर रही हैं, साथ ही साथ हमारी पृथ्वी को भी साफ पानी उपलब्ध करा रही हैं, और इन नदियों की वजह से ही यहाँ रहने वाले जीवों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है। अमेजन रिवर इस जंगल से होते हुए ब्राजील से निकलकर अटलांटिक ओशन में मिल जाती है और इस नदी की 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं। जब यहां बारिश ज्यादा पड़ती है तो ये नदियां आसपास के इलाकों के लिए ड्रेनेज का काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जंगल और ये नदी हम इंसानों के लिए इतनी ज्यादा खास है, फिर इसे खतरनाक क्यों बताया जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेजन नदी में कई सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, वहीं यहां पर रहने वाले कुछ जानवर तो दैत्याकार के होते हैं। वहीं अमेजन रिवर में कुछ जानवर ऐसे हैं जो अगर हम इंसानों के सामने आ जाएं तो हमारे डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। तो चलिए बात करते हैं इस नदी में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ही खतरनाक जीवों के बारे में। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, मछलियों की प्रजाति में अगर सबसे खतरनाक कोई मछली है तो वो इलेक्ट्रिक ईल ही है। ये एक ऐसी मछली है जो अपने अंदर से बिजली के झटके निकालती है और इन्हीं झटकों की वजह से ये अपने शिकारी और शिकार दोनों को मौत के घाट उतार देती है। इसका एक झटका 500 वोल्ट तक का होता है और यही वजह है कि कई बार ये अपने से भी बड़े बड़े जानवरों को मौत की नींद सुला देती है। अब दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम आते ही इंसानों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन एनाकोंडा सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जिसका खौफ हम इंसानों से लेकर इस जंगल में रहने वाले हर जीव के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ये इस जंगल की जमीन पर तो है ही, साथ ही साथ ये अमेजन नदी में भी आतंक बनाए हुए हैं। दोस्तों, इस सांप की लंबाई 20 फीट से भी ज्यादा होती है, वहीं इसका वजन 300 किलो तक हो सकता है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंगल में रहने वाला ये एनाकोंडा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये किसी के ऊपर भी हमला करने में जरा भी नहीं घबराते, यहाँ तक कि ये जैगवार, मगरमच्छ और हम इंसानों को भी पूरा का पूरा निगल सकता है। दोस्तों, जब ये जमीन पर चलता है तो उसके चलने की स्पीड ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब ये अमेजन नदी के अंदर होते हैं तो इनकी स्पीड और भी तेज हो जाती है और इसी वजह से इसे अमेजन नदी का सबसे बड़ा शिकारी कहा जाता है। बुल शार्क। शार्क कितनी ज्यादा खतरनाक मछली है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अमेजन नदी में पाई जाने वाली ये बुल शार्क इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये मछली 12 फीट तक लंबी होती है और ये पानी में तैरने वाले हर जीव के ऊपर हमला कर देती है। इसके अलावा कई बार तो इसने डॉल्फिन और कई तरह के मैमल्स को भी अपना शिकार बनाया है। इसके अलावा अगर इसके सामने कोई इंसान आ जाए तो ये उसे भी जिंदा नहीं छोड़ती। कैमन। दोस्तों, ये मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक जीव है। ये अमेजन के खाड़ी इलाकों में झुंड में देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि अमेजन जंगल के अंदर 10,000 से भी ज्यादा कैमन निवास करते हैं। इन्हें भी पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। पिराना। दोस्तों, ये एक मछली है। ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसके ऊपर अब तक कई सारी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। वैसे तो ये मछली ज्यादातर मरे हुए जीव और पेड़ पौधों को ही खाना पसंद करती है, लेकिन अगर इसके हाथ कोई इंसान लग जाए तो ये उसकी हड्डियों को भी निगल जाती है। इन मछलियों के दांत बहुत ही ज्यादा नुकीले और तेज धार वाले होते हैं जो चीर फाड़ करने का काम करते हैं। इस मछली ने भी अमेजन रिवर के अंदर काफी आतंक मचा रखा है। दोस्तों, यही नहीं, अमेजन रिवर की लंबाई 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। इतनी बड़ी नदी की धारा कहां से शुरू होती है, इस पर अब तक एक राय नहीं बनी है। पिछले 100 सालों से अमेजन नदी की शुरुआत कहां से होती है इसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। साल 1707 में फादर सैमुअल फ्रिट्स ने एक नक्शा छपवाया जिसमें अमेजन का उद्गम लारिकोचा झील को बताया गया, जो अमेजन की सहायक नदी मारानान का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जगह पेरू में है। फ्रिट्स का मानना था कि मारानान नदी में अमेजन की सहायक नदियों के मुकाबले सबसे ज्यादा पानी रहता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ खोजों में ये पाया गया कि अमेजन रिवर की शुरुआत पेरू की एक नदी से होती है, लेकिन इस पर भी आम राय नहीं बन सकी। इस सहायक नदी के उद्गम को लेकर ही मतभेद हो गए। इसके बाद 1960 के दशक में पेरू के एक भूगोलविद कार्लोस एगोइला ने दावा किया कि पेरू की नेवादो मिस्मी नाम की जगह अपोरिमैक नदी की शुरुआती जगह है और यहीं से अमेजन नदी का उद्गम माना जाना चाहिए। दोस्तों, आज की तारीख में ज्यादातर लोग इसे ही अमेजन की शुरुआत की जगह मानते हैं, लेकिन साल 2014 में खोजकर्ता जेम्स कांटोस ने यह दावा किया कि पेरू की मांतारो नदी को
अमेज़न की उत्पत्ति की जगह माना जाना चाहिए। जेम्स जब 2012 में अमेज़न नदी का शुरुआती ठिकाना तलाश रहे थे तो उन्हें लगा कि मांतारो नदी में एप्यूरिमैक नदी से ज्यादा पानी रहता है, वो भी पूरे साल। तो ऐसे ही अमेज़न नदी की शुरुआत माना जाना चाहिए। दोस्तों, ये मतभेद तो चलता रहेगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अमेज़न के बारे में और भी जानना है तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।